बहुत बड़ी योजना है हम जैसे गरीब वर्ग के बच्चों के लिए, और हम डॉक्टर इंजीनियर जैसे बड़े सब बनने के सामने देख सकते बच्चे तो आदिवासी बहुत मुश्किलों का सामना करता है बच्चों, अधिकतर बच्चे तो कुछ नहीं करते, मुश्किल उच्च स्तरीय पढ़ाई नहीं करते, उस पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए मतलब क्या हुआ इसके पास एक भी पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो बिकॉज यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन संकरण कौन सा मिल रहा है sp2 बाकी ये तीन जो बच गए हैं ये कैसे हैं अनहाइब्रिड या असंकरित ऑर्बिटल, ठीक है ये तीन कैसे हैं 1s2 2s2 2p4 है ना। तो लास्ट अगर हम देखते हैं 2p क्या है, दो दो आयोमिक इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक जो है इसके साथ ये कौन सा बॉन्ड बनाया सिग्मा, इसका और ये इसके साथ सिग्मा, ये तीन कौन से बॉन्ड बन गए सिग्मा, ठीक है जो संकरित नहीं हुआ है ये इसके साथ क्या करेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, तीनों ऑक्सीजन क्या किए एक एक बॉन्ड और बनाए लेकिन कौन सा है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग, और तीन पाई जो बच गए हैं यहाँ पर ये तो तय है कि ये पी पाई इसके साथ ओवरलैपिंग हुआ है और वही अगर हम लोग बात करते हैं SO2 की संकरित ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये तीनों कैसे हैं दो बच गए ना, बाकी दो बचे ना उनके साथ क्या होगा इसका पी पाई और पी पाई डी पाई ये तो हट गया ना, दो ही ऑक्सीजन है ना एक पी पाई डी पाई, ठीक है क्लियर। यहाँ को क्या दिखाई दे रहा है एक प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है ना, कल मैंने बताया था कि यहाँ पर जो अमोनियम आयन है इस नाइट्रोजन में कौन सा संकरण मिलता है sp3, क्या मिलता है sp3 संकरण मिलेगा, इन चार एच में से किसी एक के ऊपर चार्ज क्या है एक प्लस चार्ज किसके ऊपर है या तो नाइट्रोजन के ऊपर या हाइड्रोजन के ऊपर, लेकिन किसके ऊपर होगा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होता है, इसलिए डेफिनेटली चार्ज किसके ऊपर है H के ऊपर, लेकिन H कितने हैं यहाँ पर चार है, किसके ऊपर होगा देख रहे हैं, तो क्या इस H के ऊपर पूरा का पूरा प्लस चार्ज होगा क्या, अगर पूरा का पूरा प्लस चार्ज एक प्लस चार्ज की वैल्यू कितनी होती है मालूम है ना कितनी पढ़ चुके हैं पहले है ना, ठीक है तो एक अगर मान लो पूरा पूरा चार्ज इसी के ऊपर होता एक मिनट ये बाकी तीन क्या हो जाएंगे जीरो होते ना, लेकिन चारों एच कैसे हैं मान अगर यहाँ पर प्लस चार्ज होता तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ये तीन की बॉन्ड लेंथ अलग होगी इसकी बॉन्ड लेंथ अलग हो जाएगी बंद लंबाई ऐसा होता, लेकिन चारों उसको हम क्या बोल रहे हैं रियल में चार्ज कितना होता है, ठीक है एस बाई क्या है पहले समझ लो अच्छे से, वी का मतलब पीएमसीए किया है ना पहले कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन वो है वी, मतलब जो बॉन्ड बना होगा ना बंध को बनाने में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी है ना, उस बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, अगर सिंगल बॉन्ड है तो दो एक इसका एक इसका है ना, और डबल बॉन्ड है तो चार, ट्रिपल बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो सर मेरे पापा खेती करते हैं और उनके पास मतलब बजट भी नहीं था कि मैं बाहर जाके कोचिंग करूं, योद्धा एकेडमी के कारण मेरा ये सिलेक्शन हुआ, पिछले एक साल से मतलब योद्धा एकेडमी में कोचिंग ली थी और मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद में हो गया, और इसके लिए मैं योद्धा एकेडमी के शिक्षकों एवं जो इस योजना को चला रहे हैं कलेक्टर महोदय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी। सर यहाँ PAT नीट और JEE स्टूडेंट को कोचिंग दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है जी। सर मैं नीट की तैयारी कर रहा था पिछले एक साल से और मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से हो गया जी। सर मैं जिस वर्ग से आता हूँ मतलब पैसे की बहुत दिक्कत होती है, जो योद्धा एकेडमी के बारे में मुझे विज्ञापन से पता चला कि यहाँ निःशुल्क कोचिंग होती है, तो मैं यहाँ चला आया और टीचरों से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, उन्होंने बताया कि मतलब फ्री में कोचिंग होता है, तो मैंने यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और
और यहाँ सिलेक्शन के लिए भी इंट्रेंस एग्जाम होता है, और वो परीक्षा मैंने पास की और यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया।